हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी लेकर के आई हूँ जो सबको बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी ये बनेगी। जो लोग करेले नहीं पसंद करते हैं, इंशाल्लाह वो लोग भी करेला इस तरह बनाकर खाएंगे तो करेला बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक भरवा करेला। जो आज हम बनाएंगे भरवा करेले, तो हमने ऐसे करेले ले लिए हैं। तो हमें इस तरह के, हमने हाफ के जी का ये करेला ले लिया है। तो मार्केट में आजकल करेले बहुत आ रहे हैं, आज का सीज़न है ये करेले का। तो हम इस करेले को ले लेंगे और इसका जो है पहले छिलका निकाल देंगे। छिलका पूरा हमें नहीं निकालना है, हमें कितना छिलका निकालना है हम बताते हैं अभी। तो ये देखिए, ये पीलर से थोड़े थोड़े छिलके हम निकाल देंगे, बहुत ज़्यादा छिलका हम नहीं निकालेंगे। तो देखिए, हमने ये करेले छील लिए हैं। ये देखिए, थोड़ा सा ये करेले हमने ज़्यादा छील लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। और आप जब भी करेले छीलें, बहुत ज़्यादा करेले का छिलका ना निकालें, थोड़ा ही छिलका निकालें। लेकिन हम तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं। और चलिए इसको हम कट कर लेते हैं बीच से। और इसका ये पार्ट, पीछे का पार्ट नहीं निकालना है, क्योंकि ये बहुत काम का है। अगर इसे कट कर देंगे तो जो हम यहाँ पर कट करेंगे, बीच में शीरा लगाएंगे, वो जो है हमारे करेले अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें इसका ये ध्यान रखना है कि पीछे के पार्ट्स नहीं निकालना है। तो चलिए हम ये करेले को कट कर लेते हैं बीच से, जो हम भरवा करेला बनाएंगे। और ये हमने छिलके भी रख लिए हैं, छिलका फेंकना नहीं है, ये छिलका हम भी हमारे यूज़ में आएगा। और इसमें से हमने एक मुट्ठी छिलका कम कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको लग रहा था, तो इसे हमने कम कर दिया। तो चलिए इसको हम कैसे, इसको बीच से ही, ये देखिए ऐसे, इसको बीच से ही ऐसे हम कट कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का सा कट करेंगे, बहुत बहुत आगे तक नहीं करना है, बस बीच में ही करना है कि हमारा अंदर का पल्प जो है सब निकल आए। ये देखिए, ऐसे, और ये देखिए, इसको हम बीच से कट कर देंगे और हाथ से ऐसे फैला देंगे। तो आपको दिख रहा होगा बीज कितनी बड़ी बड़ी है। तो आप चाहें तो ये बीज को निकाल दीजिए। इसको हम निकाल देंगे बीज को पहले सब। ये देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बीज है, लेकिन ये बीज हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि जब हम करेले में करेला बना भी बताते हैं आपको, ये बीज को फेंकना नहीं है, बहुत काम की है। और ये देखिए, हमने इसको साफ कर लिया ऐसे। चलिए इसको हम और भी ऐसे ही सब कट कर लेते हैं। थोड़ा सा गहरा चीरा लगाना है। ये देखिए, इसमें तो लाल हो गए हैं। अगर ये पक गए हैं तो इसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि पके वाले जो करेले रहते हैं उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो इसका बीज हम निकाल देंगे और हटा देंगे, ये बीज हम नहीं यूज करेंगे, इसको हम फेंक देंगे। तो देखिए, ये हमारे छिलके निकल आए हैं। हमने इसका छिलका एक मुट्ठी कम कर दिया है, और ये हमने ये छिलकों को फेंकना नहीं है, और ये इसमें हम करेले में यूज़ करेंगे। और ये करेला चलिए हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, उसका बीज सब निकाल दिया है। तो चलिए इसको हम मैरिनेट करते हैं बहुत अच्छे से। इसका बीज हमने सब निकाल दिया, और बीज को फेंकना भी नहीं है। अभी हम बीज को मसाले में डाल करके इसका भरवा करेला बनाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले मैरिनेट करते हैं, और इसमें हम
एक चम्मच भर के हल्दी डाल देंगे। तो हम मैरिनेट कर देते हैं इसको। इसमें नमक लगा करके हमने रख देना है इसको। हाँ। अच्छे से नमक लगा देंगे। हम नमक लगा के डाल दिए थे, वीडियो थोड़ा लेट में बनाए, इसे जैसे देखिए इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। और इसको अच्छे से कोट करना है अंदर तक, पूरा इसकी मलाई कर देना है। हमने इसमें सौंफ ले ली है, दो चम्मच मोटी वाली सौंफ है और एक चम्मच काली मिर्च है और एक आधी चम्मच राई है ये, और हाफ चम्मच ये मेथी दाना है। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा, तो हमें मेथी दाना हाफ चम्मच ही लेना है। और ये कलौंजी है हाफ चम्मच, हमने कलौंजी भी ली है। जीरा दो चम्मच लिया है और हमें तीन लाल मिर्च ली है तीखी वाली। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ हमें इतना डालना है कि मसाले में हमारे मिर्ची थोड़ा सा हो जाए बस। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं हल्का सा, और फिर इसको भूनने के बाद इसको थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। इसको एक हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। प्याज ले ली है और स्लाइस कर ली है, ये करीब 250 ग्राम के करीब प्याज है ये, और इसको हमें फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। और तो चलिए, और ये हमें दो आम चाहिए, एक आम चाहिए और ये छोटे आम है तो हमने दो आम ले लिया, एक बड़ा आम चाहिए, कच्ची केरी जिसको बोलते हैं। तो इसको छील लेते हैं, इसको छील लेंगे अच्छे से, इसका छिलका निकाल देंगे। ये पीलर से छील देते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे हम छील लेंगे। तो इसको भी हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। तो चलिए हमारे तो देखिए कितना हमने इसको मैरिनेट किया, कम से कम 10 ही मिनट हमने रखा, हमको टाइम नहीं है तो ज़्यादा देर इसको रखेंगे मैरिनेट करने के लिए, तो ये अच्छे से पानी ज़्यादा निकल आएगा और थोड़ा कड़वापन भी से कम हो जाएगा। तो इसको हमने देखिए तब भी इतना पानी निकल आया है, तो इसको हम पानी को फेंक देंगे और अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे इसका। इसको दबा दबा करके इसका पानी हमने सब निकाल दिया, पानी नहीं रहने देना है, जितना हो सके पानी निकाल देना है और इतना दबाना है कि टूटने ना पाए। अगर टूट जाएंगे तो हमारे जो भरवे करेले हम बना रहे हैं वो अच्छे। हाफ कप के करीब तेल डाल देंगे, हमें मीठा तेल यूज कर रहे हैं, आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, राई के तेल में लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसमें हम प्याज डाल देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ब्राउन होना शुरू हो गई है, थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगी तब हम इसमें अपने करेले के जो छिलके थे उसको डालेंगे। तो पहले इसको हमें थोड़ा सा और ब्राउन हो जाने देना है और इसमें हम जो मसाले हमने भुने हैं उसी में हम ये आम डाल करके इसको फाइन पेस्ट बना लेते हैं। थोड़ा गीला ही पेस्ट बनाएंगे, बहुत सूखा नहीं बनाएंगे। तो देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो गई है बहुत अच्छे से। अपने ये करेले डाल देंगे, जो करेले का छिलका लिया था वो डाल दे रहे हैं, आपको दिखा दें। और जिसमें हमने बीज क्रश की थी वो भी डाल देंगे। और इसको भी अच्छे से भून लेना है। हमारे ये अच्छे से
सॉफ्ट हो गया है तो अब इसमें हम डालते हैं अपने मसाले। ये हमने मसाले ऐसे पीस लिए थे वो डाल देंगे। इसमें जो मसाले लगे हुए हैं उसे पानी डाल करके डाल देंगे हम भून करके। एक चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं। अगर आपके पास अक्खी हो तो आप अक्खी भी डाल सकते हैं। हाफ चम्मच हल्दी डाल देंगे और एक चम्मच करीब अमचूर पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे तो हाफ चम्मच हम डाल देते हैं। ये जब मसाले भून जाएंगे तो चलिए देखते हैं हम। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से, तो देखिए बिल्कुल से अच्छे से हो गया मसाला और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल मिक्स हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा करते हैं, फिर हम इसकी स्टफिंग। तो ये देखिए इसके मसाले को हम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको, अपने जो मसाले ठंडे हो गए बहुत अच्छे से, और इसको हम चख लेते हैं, देखते हैं नमक कैसा है। बहुत बढ़िया है और इसमें ज़रा सा भी कड़वापन नहीं है, बहुत मस्त है। तो और ये हमने जो इसके बीज क्रश करके डाला था वो बहुत ही मस्त है, वो बिल्कुल क्रिस्पीनेस इसमें लाता है मसाले में और बहुत क्रिस्पी लगता है खाने में, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसकी हम स्टफिंग कर लेते हैं। अपने मसाले अच्छे से भर देंगे, जितने मसाले हमारे आएंगे उतना मसाला हमें पूरा भर भर के मसाले हम इसमें भर देंगे। इसमें डाल देंगे, फ्लैट कढ़ाई रहेगी या फ्लैट फ्राई पैन रहेगा तो बहुत अच्छे से ये फ्राई होगा, और गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे। तो ये देखिए हमने चार पीस रख दिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रख देना है ताकि अच्छे से हमारे ये गल जाए। इसको भी हम साइड में रख देते हैं किसी तरह। तो देखिए हमारे करेले अच्छे से पक बन रहे हैं और इसको हम बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए, और फिर 10 मिनट बाद हम इसको पलटेंगे। तो तेल को चारों तरफ इधर उधर लगा कर देना है ताकि अच्छे से तेल पहुंच जाए। हाँ तो देखिए ये हमारे करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है
और बिल्कुल चिपक गए हैं। तो देखिए हमारे भरवा करेले तैयार हो गए, बहुत ही टेस्टी बने हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा गाइज। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।